क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति विज्ञान की सबसे पुरानी पुस्तक थियोफ्रास्ट ने लिखी थी, इसका नाम है, ठीक है, मतलब कि अब तक की सबसे पुरानी पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक किसने लिखी थी, थियोफ्रास्ट ने लिखी थी, और उसका नाम हमसे पूछा गया है। थियोफ्रास्ट को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी, ये ध्यान रखना है, फादर ऑफ बॉटनी, इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी वनस्पति शास्त्र की, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्ट को कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है वो जो थियोफ्रास्ट ने लिखी थी, तो देखो स्पीसीज प्लांटेरम नाम की ये जो पुस्तक है, यानी कि ये जो बुक है, ये लिखी थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, या कार्ल लीनियस ने, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं इसका लीनियस, ठीक है। ये जो बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, ये याद रखना है, ये लीनियस ने लिखी थी। जेनेरा प्लांटेरम, ये पुस्तक वैसे तो माना जाता है कि ये जो है बेंथम ने लिखी थी, ठीक है, जॉर्ज बेंथम, लेकिन इसी नाम से एक और पुस्तक लिखी थी किसने, लीनियस ने, तो बेंथम, और यहाँ हम लिख देते हैं लीनियस, ठीक है, ये लीन लिखने का मतलब भी लीनियस हो जाता है। तो ये भी लीनियस ने लिखी है स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम भी बेंथम ने लिखी है, हालांकि जो अब बाद में लिखी गई है, लेकिन उससे पहले लीनियस ने सेम नाम से, जेनेरा प्लांटेरम नाम से एक पुस्तक लिखी थी लीनियस ने 1773 के अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं आ जाए नाम जेनेरा प्लांटेरम, तो लीनियस ने भी लिखी है इस नाम से पुस्तक, और इसी नाम से जो बुक है वो जो है जॉर्ज बेंथम ने भी लिखी, जो बेंथम और हुकर वाला आप जानते हो इसको। फेमिलीज डेस प्लांटिस, ये जो बुक है ये लिखी गई थी एडेंसन के द्वारा, ठीक है, एम एडेंसन, ठीक है, एम एडेंसन के द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है फेमिलीज डेस प्लांटिस। तो अब जो बुक बच गई वो पुस्तक किसने लिखी है, थियोफ्रास्ट ने लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये जो बुक है ये लिखी गई है किसके द्वारा, थियोफ्रास्ट के द्वारा, ठीक है, थियोफ्रास्टस, ये बुक लिखी गई है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, थैंक यू।